हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज गुप्ता फ्रॉम बिलासपुर आई एस अकेडमी। और आज इस वाले करंट अफेयर सेशंस पे हम लोग फिर आपके कुछ टॉपिक्स को मैंने पिक किए हैं और जिसके आज एनालिसिस हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे जो एक रिसेंट जजमेंट कल आया आपका सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आपके मराठा रिजर्वेशन से रिगार्डिंग था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, मोर और लेस आपके पेपर स्पेशली पॉलिटी के सेक्शन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसके रिगार्डिंग अभी काफ़ी आपको डेवलपमेंट देखने को भी मिलेंगे अगले कुछ दिन तक न्यूज़पेपर पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था। और उस जजमेंट को लेते हुए अगर देखेंगे तो कंप्लीट ओबीसी रिजर्वेशन को एक बार हमें फिर से समझना होगा और साथ ही साथ रिजर्वेशन को देखते हुए आगे जो नेशनल कमीशन ऑफ ओबीसी बनाई गई है उसका क्या रोल होगा उसको भी हम लोग आर्टिकल्स के थ्रू समझेंगे। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ये टू चाइल्ड पॉलिसी है क्या, इसको लीगली इन्फोर्स करना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये पॉलिसी ऑलरेडी चाइना पे वर्क कर रहे थे, इंडिया के लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी यूज़फुल नहीं है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और एक तीसरा इशू काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि आपके अगर आप पेपर देखेंगे इंटरनेशनल वाला जो पार्ट है वहाँ पर WTO स्पेशली उसका काफ़ी क्वेश्चन हमेशा आते हैं और WTO के अंदर उसके कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं वर्ल्ड ट्रेड को हम लोग पॉसिबली एक सही वे में चलाते हैं। उसके अंदर एक एग्रीमेंट आता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ट्रिप्स, उसमें जो पेटेंट का इशू है और खासकर स्पेशली अभी वैक्सीन के टाइम पे जो वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा है कोरोना वायरस से, तो इसके रिगार्डिंग कुछ अभी आपका रिसेंट डेवलपमेंट देखने को मिला है उसके बारे में भी इस आर्टिकल पे हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका पहला आर्टिकल जो कि किस पे है, मराठा रिजर्वेशन पे। तो देखिए सीधी सीधी बात है, ये जर्नल सा है जिसमें आपका एक अभी सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज बेंच बैठी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी 5 जज की और इन्होंने बोला कि ये जो मराठा रिजर्वेशन जो दिया गया था उसमें कोई भी ऐसा एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं थी जिसके आधार पर ये रिजर्वेशन को देना चाहिए था। और उन्होंने क्या किया, इस रिजर्वेशन को अल्ट्रा वायरस, मतलब इस रिजर्वेशन को उसने कहा कि ये गलत है और इस रिजर्वेशन को आपका वैलिड नहीं है बोलकर इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। पर सिर्फ और सिर्फ ये तो आपका एक न्यूज़ था कि हाँ कल आपका मराठा रिजर्वेशन को इन्होंने बना कर दिया, बट इस मराठा रिजर्वेशन को समझने के लिए इसके पहले रिजर्वेशन के एंगल को बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा। अगर इंडिया में टोटल रिजर्वेशन देखेंगे तो जितने भी आपका कई तरह से हैं, स्पेशली हम लोग देखते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसके आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को बेस बनाए या किसी भी चीज़ों को। ठीक है, जिसके अंदर आपको SC ST एंड OBC रिजर्वेशन इंडिया में ऑलरेडी इम्प्लाइड था। आगे चलकर ये रिजर्वेशन जब ओबीसी के केसेस पे आया तो एक जजमेंट आई थी जिसका नाम था इंदिरा सहानी जजमेंट। ठीक है, ये 1992 का केस था और इस केस में इंदिरा सहानी जजमेंट में ये बोला गया था कि जो टोटल रिजर्वेशन है उसको कितना 50% पे सीज करना है, कि इससे ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। और इसी जजमेंट को खासकर क्या बोलते हैं आपका मंडल जजमेंट भी बोलते हैं, मंडल केस से रिलेटेड जजमेंट भी बोला जाता है। और अगर इंदिरा सहानी जजमेंट में देखेंगे तो वो 50% रिजर्वेशन के साथ साथ इसने होल्ड किया था आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 है, राइट टू इक्वालिटी। कहीं ना कहीं आपका जो रिजर्वेशन है वो केस किसका होता है, राइट टू इक्वालिटी और लोअर सेक्शन के राइट्स का, तो वो चीज़ों को वहाँ पर से अपहोल्ड कराया गया था। बट अगर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होगा तो क्या वो इंदिरा सहानी की रूलिंग के अगेंस्ट है या नहीं है, ये भी चीज़ें देखनी होंगी। अगर वो अगेंस्ट है तो आज भी आपके इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जो 50% के ऊपर रिजर्वेशन दे रहे हैं, स्पेशली तमिलनाडु, वहाँ पर लगभग 69% रिजर्वेशन है। तो अगर इंदिरा सहानी ने 50% बोला था तो ये 69% कहाँ से आया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना एक ज़रूरी है। तो देखिए पूरे के पूरे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस था। तो मराठा रिजर्वेशन जब बॉम्बे और वहाँ पर से आपको आपका महाराष्ट्र में दिया गया तो उस रिजर्वेशन को सबसे पहले चैलेंज किया गया था। और उस चैलेंज करने के बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, पहले इस रिजर्वेशन को टोटल 16% दिया गया था, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया, उस 16% को कम करके बोला कि एजुकेशन के लिए 12% और आपका जो दूसरी चीज़ें उसके लिए 13% तक हम आप क्या करेंगे रिजर्वेशन दे सकते हैं। एजुकेशन मतलब जो भी आपके एजुकेशनल सीट्स हैं और जो आपके जॉब के सीट्स हैं उसके लिए उस रिजर्वेशन को कम कराया परसेंटेज वाइज, बट स्टिल ये परसेंटेज वाइज भी कम करने से भी ताकि वो 50% के अंदर आपका होल्ड हो। पर देखो एक्सेप्शनल केस उसमें इंदिरा सहानी में ये है कि हाँ 50% होना चाहिए, पर अगर कुछ स्पेशल कंडीशन है, ऐसा कोई कंडीशन बनता है कि हाँ इसके ऊपर रिजर्वेशन देना इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप 50% रिजर्वेशन को क्रॉस कर सकते हैं। और उसी आधार पर आपका तमिलनाडु ने किया है, तो महाराष्ट्र ने भी कुछ इस तरह से ही किया था। पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 50% का तो यहाँ पर केस ही नहीं उठता, क्योंकि अगर हम लोग मराठा को अगर देखते हैं
कम्प्लीटली मराठी और मराठा पीपल्स को देखते हैं, तो चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस की बात करें या सेंट्रल सर्विसेज की बात करें, सेंट्रल सर्विसेज में अगर आईएएस आईपीएस इसमें भी देखेंगे तो इनका रिप्रेजेंटेशन अराउंड 17% है। तो ये काफ़ी अच्छी एक आपकी क्या अपवर्ड सोसाइटी है, बहुत पीछे सोसाइटी नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जॉब में भी देखेंगे अगर महाराष्ट्र के अंदर तो इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है जिस बेसिस पर आप इनको रिजर्वेशन आगे दे रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो भी रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर बात हुई थी जो 16%, तो इसमें वहाँ पर एक कमीशन बनी थी जिसका नाम था एमजी गायकवाड़ कमीशन। उन्होंने कहा था कि आपका 50% से नीचे रहना चाहिए। तो उस बेसिस पे पहले तो क्या हुआ जजमेंट पे, उन्होंने क्या कहा जब बॉम्बे हाई कोर्ट पे था कि ठीक है ये आप दे सकते हो लेकिन 15% से नीचे होना चाहिए। पर उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने रिविजिट किया और उसने कहा कि ऐसा कोई कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस है ही नहीं कि इन मराठी पीपल्स को आप क्या करो फिर से रिजर्वेशन उनको देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सोशली भी आगे है ये सोसाइटी और साथ ही साथ अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक और सोशल आपका दोनों रूप से मराठा सोसाइटी क्या है एक अच्छी सोसाइटी है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीज़ कहा कि रिजर्वेशन नहीं देना है, रिजर्वेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आपको क्या करना होगा कि आप क्या करिए इनके लिए कुछ दूसरे स्किल्स के पीछे जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिजर्वेशन देकर उनको हम हमेशा फीड नहीं कर सकते। स्किल्स और एम्पावरमेंट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज क्या है प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वर्ल्ड की ओर हम आगे मूव कर रहे हैं, और इस केसेस में अगर हम इनको आपका क्या करें स्टेट डिपेंडेंट बना देंगे तो ऐसे लोगों का अपलिफ्टमेंट आगे चलकर नहीं होगा। तो अभी उनके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे तरह की चीज़ें खोजनी चाहिए, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स लाने चाहिए ताकि उनके स्किल्स और एम्पावरमेंट किया जाए बजाय उनको रिजर्वेशन के थ्रू बस क्या किया जाए एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरह से आपका क्या था इस केसेस को रिविजिट करके सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया। स्टक डाउन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़ा और बात किया नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, और ये चीज़ें आगे चलकर एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखो जब हम बात करते हैं ओबीसी की अदर बैकवर्ड कास्ट, तो यहाँ पर आपके अदर बैकवर्ड कास्ट सेंट्रल लिस्ट जो केंद्र सरकार के पास इनकी जो लिस्ट होती है कौन कौन सी आपकी कम्युनिटी आएंगे ओबीसी में, और जो स्टेट पे आती हैं वो अलग अलग होती हैं, दोनों की अपनी लिस्ट होती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेट में ओबीसी आ रहे हैं पर सेंट्रल में नहीं आ रहे, ऐसे बहुत सारे लोग जो सेंट्रल में ओबीसी आएंगे जो स्टेट में नहीं आएंगे, वैसे अक्सर में मोस्टली सेंट्रल में आते ही हैं, जो स्टेट में ऐसे बहुत सारे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। तो पहले क्या था दोनों के पास राइट था ओबीसी डिक्लेयर करने का, पर कल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्योंकि अब हमारे पास क्या है नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी पहले क्या था ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, पर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102 क्या है संविधान संशोधन से इसको क्या बना दिया गया है, इसको एक संविधानिक आपकी संवैधानिक तंत्र आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन चुकी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो क्यों ना ओबीसी की कॉमन एक लिस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ एक लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग आपकी स्टेट में ओबीसी हैं पर सेंटर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक कॉमन लिस्ट होगा और जो भी कम्युनिटी स्टेट गवर्नमेंट को लगती है कि ओबीसी में आए वो उसका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजेगी, प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई करेंगे और बाद में उसको लिस्ट डाउन किया जाएगा सेंटर में बाय पार्लियामेंट, ठीक है। तो केसेस क्या हो गया कि अब वही कम्युनिटी मतलब जो दो लिस्ट से पहले स्टेट अपने हिसाब से दे देता था किसी को भी, लेकिन अब स्टेट नहीं दे पाएगा अपने हिसाब से, कहीं ना कहीं ये क्या होगा पूरा का पूरा सेंट्रल और पार्लियामेंट के थ्रू ही चलेगा। और इसको इसीलिए अपोज जब ये बन रहा था बॉडी नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, तो इसको बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे चलकर ये क्या करेंगे ओबीसी राइट्स को ही हैम्पर कर देंगे और ओबीसी को कुछ इस तरह से क्या करा जाएगा एक कॉमन लिस्ट बनाने की कोशिश है। और इस जजमेंट ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया है कि हाँ आगे चलकर इसको इस तरह से करना चाहिए। तो इस जजमेंट में बस यहाँ तक ना फंसे रहें कि मराठा रिजर्वेशन में क्या बात हुई है या इंदिरा साहनी केस क्या था, इसमें एक कदम आगे जाकर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी और ओबीसी का एक कॉमन लिस्ट जो कि या तो आपका क्या होगा सेंटर बनाए या स्टेट बनाए उस पे जो बात कही गई है वो इसका एक बहुत बड़ा आउटकम है इस पर्टिकुलर जो भी आपका कल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। तो प्लीज़ इस जजमेंट को टैप करते रहना, किसी भी न्यूज़ में आप देखेंगे अगर ये आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ से आप अपने आप को ध्यान में रख के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर मराठा रिजर्वेशन इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम मराठा रिजर्वेशन के बाद की बात करें तो अगला जो है टू चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। तो टू चाइल्ड पॉलिसी की ओर मूव करते हैं। टू चाइल्ड पॉलिसी देखिए इनिशियली चाइना ने इसको इम्प्लीमेंट किया, अब इंडिया पे अभी ये क्यों न्यूज़ पे था, तो ये न्यूज़ पे इसलिए है क्योंकि गुजरात और स्पेशली गुजरात में वडोदरा और राजकोट वहाँ पे अभी म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ और वहाँ पर कुछ लोगों को वहाँ पर इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू चाइल्ड पॉलिसी कि उनके 2 से अधिक बच्चे थे इसलिए वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो गुजरात ने ये इम्प्लीमेंट किया था म्यूनसिपैलिटीज़ और ये सब के इलेक्शन के लिए।
ऐसे यही टू चाइल्ड पॉलिसी मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंटेड है, कर्नाटका में भी, तमिलनाडु पे भी, कि ऐसे लोग जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वो वहाँ पर मध्य प्रदेश में इवन आपके जॉब एंड सर्विसेज में भी दिखा रखा गया है। गुजरात में किस पे है, आपके म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह पे। और क्योंकि इसलिए इन पे चालू किया गया कि इनका कहना था कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, अगर उनको ही इस चीज़ पर बांधा जाए तो कहीं ना कहीं लोग भी इससे सीखेंगे और क्या होगा आगे चलकर इसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा क्या होगा पॉपुलेशन कंट्रोल और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन इंडिया पे पॉसिबल हो पाएगा। पर अब इस पे एक जो डिबेट उठता है वो ये है कि आपका ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी है चॉइस बेस्ड होना चाहिए कि लोगों को अपने हिसाब से चूज़ करना है कि दो बच्चे या उससे कम रखने हैं जो भी, या ये लीगली एनफोर्स मतलब गवर्नमेंट एक कानून बनाए और उसके थ्रू इसको रखा जाए। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दो बच्चे के अगर हम देखेंगे टू चाइल्ड पे, क्यों अगर सपोज करो कि टू चाइल्ड को हम किस तरह से कई एंगल से समझ सकते हैं, ठीक है, अगर वो दो चाइल्ड टोटल ड्यूरेशन ऑफ बर्थ में कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर सपोज करो कोई एक इलेक्टेड हो गया, उसके दो चाइल्ड थे, पर वो इलेक्टेड होने के बाद नेक्स्ट ईयर उसका एक बच्चा हो गया, इलेक्शन हुआ, काफ़ी इंजॉय किए, नेक्स्ट ईयर एक और बच्चा हो गया, तो उसका क्या? अब तो उसके पास थ्री चाइल्ड है, तो क्या उसको इलेक्शन से डिबार किया जाएगा? कहीं पर ये हो सकता है कि इलेक्शन के लिए उसने अपने चाइल्ड को किल करवा दिया, छोटा बच्चा था उसको, या तो अपनी वाइफ को ही क्या किया छोड़ दिया, तब उस केसेस में क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जिसके कारण इसको हमेशा एक डिबेट बनकर आएगा कि इसको चॉइस बेस रखना है कि लीगली, क्योंकि अगर लीगल करोगे तो उस लीगल चैनल को हटाने के लिए हो सकता है कुछ क्रिमिनल एटीट्यूड बने, जिसके कारण इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर लोग और भी कुछ गलत करें। ठीक है, ये तो आपका एक एंगल, एक डिबेट ओपन हो रहा था, लेकिन इसकी बिगनिंग को समझते हैं और इंडिया में ये टू चाइल्ड पॉलिसी कहाँ से आया, किस तरह से इसको काम किया, वो सारी चीज़ों को भी हमको देखना ज़रूरी है। तो चालू करते हैं हम लोग 1950। अगर हम लोग देखेंगे इंडिया पे तो 1950 पे टू चाइल्ड पॉलिसी की पहली बार बात की थी कि इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, पर अगेन उस समय ये क्या था, चॉइस बेस्ड था और उसको किसी भी तरह से लीगली नहीं लाया गया था। 1980s में इंडिया में क्या बना, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में ये बोला गया कि इंडिया की पॉपुलेशन को हम लोगों को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है और धीरे धीरे उसको कम करना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने यहीं पर 1980s में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उसके बाद से हमने क्या चालू किया था, हम दो हमारे दो कैंपिंग। ठीक है, कि हम दो हमारे दो ही बच्चे अच्छे, इस तरह से आप कई कैंपिंग्स चलाए गए थे और उसके अंदर यहाँ पर काम चल रहा था। और बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर क्या हुआ था, नसबंदी प्रोग्राम जो होता है, ठीक है, इनफर्टिलाइजेशन का, और उसमें क्या करते हैं रेडियो सुनाते थे और आपका क्या था, इनफर्टिलाइजेशन को इतना प्रमोट किया गया कि रेडियो देते थे, आप आओ अपना फर्टिलिटी लूज़ करो और आप रेडियो लेकर जाके घर में आराम से रेडियो सुनो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत प्रमोशन किया गया ताकि इस चीज़ों को लेकर आगे आया जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे थे, अपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम, इसकी ओर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े। अभी उसके बारे में बात करते हैं। 1994 पे फिर क्या हुआ, इंडिया ने आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट उसको ज्वाइन किया और वहाँ पर जो भी एजेंडाज थे वुमेन राइट्स और उन सारे चीज़ों को क्या करने की बात की कि हाँ उस चीज़ों को हम मानते हुए ही अपने पॉपुलेशन कंट्रोल या पॉपुलेशन मेजर्स को आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2000 में हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया, उसमें सिर्फ इतना ही बोला गया कि इंडिया को अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है बाय 2045। पर उसमें भी कहीं पर भी आज भी अगर हम प्रेजेंट स्टेटस भी देखें तो कहीं पर भी हमारे किसी भी पॉलिसी में कितने बच्चे होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए इसके बारे में बात अभी तक नहीं किया गया था। ठीक है, और इवन प्रेजेंट भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पर कहीं ना कहीं हमने क्या चालू किया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्वास्थ्य मंत्रालय ने चालू किया कि कितने बच्चे होने चाहिए, सब लोगों को उसकी जानकारी देंगे और वो वॉलंटरी होगा, लोगों को समझाएंगे, उनके एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करेंगे, बिहेवियर को बदलने की कोशिश करेंगे ताकि वो एक फिक्स नंबर ऑफ चाइल्ड के पीछे जाए, बजाय कि आपका क्या होना चाहिए जितने चाहे उतने चाइल्ड के। तो ये आपका क्या है, लीगली नहीं था, ये खाली एक कंसेंस बेस और वॉलंटरी बेसिस में कि जो चाहता है वो करे, जो चाहता है वो ना करे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट एक PIL भी बहुत पहले फाइल हुआ था 2000 में कि ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी है इसको लीगली एनफोर्स करना चाहिए, मतलब उसका एक कानून ही बना देना चाहिए, इससे ज़्यादा जो भी होंगे उनको पनिश कर देंगे। लेकिन उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया किसने, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि नहीं इस तरह से हम आगे लेकर नहीं चल सकते। तो क्या ये टू चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए या ये टू चाइल्ड पॉलिसी नहीं होना चाहिए, इसके फेवर में और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं।